और आज हम जो करने वाले हैं वो है शूटर पे रिएक्शन दे रहे हैं, जिसकी रिक्वेस्ट भी बहुत आई थी। इससे पहले हमने शायद गाने पे दिया था और अब जब पता चला कि वो एक्चुअली मूवी थी तो फाइनली आज हमने मूवी पर भी दिया और काफी ज्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये रियल बेस्ड स्टोरी है और काफी मतलब इतनी रिक्वेस्ट थी और ये पंजाबी मूवी है। एग्जैक्टली, तो इसके बारे में पता है सलीमा? रियल गैंग स्टोरी है ये, ट्रू स्टोरी पे है और इन लोगों ने मूवी बनाई है। 21 फरवरी को रिलीज हो रही है ये। और जो गैंगस्टर था उनका नाम सुखा कालून करके है। इसकी पूरी इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है जितना हम लोग सर्च कर रहे थे, बस जस्ट मेंशन हुआ हुआ है कि ना पुलिस वाले उनको शूट करने वाले थे और बट उससे पहले ये ना दूसरे गैंगस्टर ने उनको शूट कर लिया था। कोई गैंग था? अब जो मैंने पढ़ा था, मतलब जो अभी तक मेरे पास मतलब इस पे इंफॉर्मेशन आई कि 15 लोगों का गैंग था जो मतलब cause he was already arrested I guess, मतलब ये इनकी कोई हियरिंग वगैरह होने वाली थी, फिर इनको 15 लोगों का गैंग था उसने पहले मारा और मतलब शूट करने के बाद दे वर डांसिंग सेलिब्रेटिंग और सब, मतलब भगवाड़ा के कोई जगह है जालंधर में, मतलब ऐसा मे बी वो शायद ना कि गुस्से की वजह से या तो मतलब कोई ऐसी चीज दुश्मनी की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। आजकल दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है, मतलब हम सबसे बहुत प्यार से रहो भाई, दुश्मनी वाकई बहुत भारी, जब गैंगस्टर के लिए या आम लोगों के लिए हो ये सबको भारी ही पड़ती है दुश्मनी। तो अच्छा वैसे ऐसी कुछ मूवी थी वो शूटर लोखंड वाला, पर उसमें मतलब गैंगस्टर ने नहीं मारा था वो, तो खैर उन्होंने खुद उन लोगों को ही मारा था, मतलब एक ऐसी कोई ना गैंगस्टर की टाइप ही मूवी थी, वो काफी अच्छी रही थी मूवी। तो मुझे या वो बिल्डिंग की मैंने जो मैंने पिक्चर देखी थी वो क्या नाम था लड़के का, उसमें लड़की को देखा था तो काफी यंग लग रहा था, मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि वो ऐसे काम कर सकता है, वो काफी यंग एज में और ये सब काम, तो खैर हम देखते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं क्या गल बात बाबे एंड करोनी आपा साला पता लग जे दुनिया नु की आया धरती ते राज करना राज ब्रेडा ते जैम ला के खाने वाले ना समझी तड़के चा कंगनी तक गिलास भर के पीती है ता करके तसी तत्ती है ते ठंडी गूंद कतीरा पी के नहीं थोड़े अर्गे दियां चीका कढ़ा के होनी है हो कंडा कट दा सिरे दा जग फैल बन गया यार शुरू तो ही माफिया दा मैन बन गया साड़िया ना देखदा नहीं नवी गड्डी चलती मेरी स्वाद नहीं आया एक और मारेगा लकड़ दे बाले वर्गा तेरा शरीर आ आकड़ देख ले किन्नी चक्की फिरदा लक्कड़ दे बालियां ते पुत घरां दियां छत्तां टिकियां हुंदियां बंदा मरन लई शरीर नहीं जिगरा चाहिदा शूट दा आर्डर हो गया नी ओ तेरे यार नु पतलिए नारे शूट दा आर्डर पूरी बस्त वाली फील आई जांदी ओए जमा संजू वाली ओ तो सामने देख के गड्डी चला एवें ना इत्थे मारिंग कहे च ठीक चलाउणा 50 तोला 50 तोला भाई अपने भी किसे दिन भीमे भाई जिन्नी चढ़ाई होगी एतों ज्यादा ही होगी मतलब साढ़े हाथों से बह के चौक चुगन वाला कबूतर हुण बाज बनन नूं फिरदा ओ बल्ले सच्चा दा गैंगस्टर है सालिया गलती नाल वापस ना मुड़ाई मार मार के छतर टमाटर अर्गी कर दांगे जदों शिकार करना होवे ना तां जंगल वण तों पहला ताड़ी मार के चेक कर लईदा वी अंदर जानवर कड़ा कड़ा बैठा गुड मॉर्निंग ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਲੋ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਗੋੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਰਾਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਲਾ ਸੱਚਿਓਂ ਬਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਹਾਂ
बाबा भली करे। जिसके डायलॉग बहुत अच्छे लगे थे पंजाबी में, अकड़ के बोला उन लोगों ने, मुझे आदि पंजाबी है, मेरे को समझ आया, मुझे आया था बोला नहीं ऐसा बहुत, मतलब जो पावर, मतलब वो भरम चाहिए होता है इस तरह से उसने बोला। और वाकई में ये कोई गैंगस्टर के आपस में ही हुई है बात, और ऐसे बोला ना कि अब ये कोई वो नहीं रही तो जंग बन गई है हमारे बीच में। ये गैंगस्टर वाली जो फिल्में थी ना, मतलब आई यूज्ड टू वॉच एज अ मतलब एज अ यंगस्टर, एज अ चाइल्ड मैं बहुत देखता था। पहले मैं इतना इन्वॉल्व होकर नहीं देखता था, बट जब मैं पढ़ता हूँ चीजों के बारे में, जब रियल लाइफ इंसिडेंट वगैरह, तो इट मेक्स मी स्कैरी। मतलब यू नो जिस तरह से लोग लड़ते हैं और जिस तरह से फाइट्स वगैरह होती है, एंड व्हेन यू थॉट अबाउट इट, मतलब जब आप पढ़ते हो फिर उसके बाद आप इस तरह की चीज देखते हो तो फिर आप और इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। तो मैं जब इसमें किलिंग्स और शूटिंग्स देख रहा था, आई वाज लाइक किस तरह करते हैं लोग सारी चीजें, और बहुत यंग यानी इसमें लड़का है जो इस तरह इस फील्ड में घुसा है, क्योंकि एक दफा अगर आप किसी चीज में इन हो जाते हैं ना तो बैक होना आपकी तब तक आपको कोई बैकअप नहीं है उसमें, आप वहां से हट के नहीं सकते। और इसमें इतना बड़ा मतलब पॉलिटिशियंस भी होते हैं इसमें, फिर लॉ एंड ऑर्डर वाले लोग भी इन्वॉल्व होते पीछे और मतलब लड़कियों को नहीं लड़कों को भी देखो कि आप वो क्या कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर दोस्त इस पे ना वो इन्वॉल्व होकर गलत चीज में जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। जब वो उसकी मम्मी रो रही होती है जो पंजाबी में कहा, वो काफी बहुत दुख, इसका एंड तो यही है कि या तो वो मारेगा आपको या तो आप किसी झगड़े में मर जाओगे, ऐसा कुछ ही होने वाला है इसके साथ। तो ये काफी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि उस चीज को आप इस तरह से करना। यार हमको तो रिएक्शन, हमको तो सॉरी ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था, आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया। सो गाइस प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।